नमस्कार, आप देख रहे हैं केएमआस न्यूज। दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केएमआस न्यूज ऐप तथा सोशल मीडिया पे देखने के लिए टाइप करें www.केएमआसन्यूज। आइए देखते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर जिले के बदलापुर ब्लॉक क्षेत्र के गाँव के मुस्लिम समुदाय ने ताजियों को लेकर न्यूज के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातें रखीं तथा सरकार से विनती किए कि हमारे ताजियों को दफनाने की इजाज़त दें। केएमआस न्यूज़ देखने के लिए डाउनलोड करें केएमआस न्यूज़ ऐप, देखें ताज़ा तरीन खबरें। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रामेपुर ग्राम सभा डनारी। अच्छा अच्छा, थाना आपका कौन सा लगाता है? सिंगरामऊ। थाना सिंगरामऊ है। और जौन जिला क्या कौन सा है? जिला जौनपुर। अच्छा, तहसील क्या आपका? बदलापुर। हाँ, तो आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि जो है हम लोग ईद का नमाज बकरीद का नमाज रोकी गई, कोई तकलीफ नहीं था। और आज ताजिया हम ताजिया अगर निकालेगा, आज समय त्यौहार हो गया है, सब चीज़ के नहीं रोक है, सिर्फ ताजिया और नमाज के लिए रोक है। अच्छा अच्छा, तो जौनपुर में देखिए पार्क में 2000 आदमी डेली सुबह पहुंच जाते हैं, कोई जिम कर रहा है उसको नहीं रोक है। 2000 माने गाड़ी में जितना चल रही है रोडवेज, पूरा कसोकस भीड़ चल रही है, तो उसमें कोई रोक नहीं है। अच्छा अच्छा, पूजा पाठ सब हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है, खाली मुसलमानों के ऊपर कोरोना है, ताजियादारों के ऊपर। अच्छा अच्छा, इसलिए ताजिया भी मना हो गया, चौक मत बैठाइए और करबला मत जाइए। अच्छा अच्छा, तो अगर सबके मान, हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान भाई हैं, हमारे सब भाई हैं। हाँ सही बात है, एक भाई नहीं, हमारे जितने हिंदुस्तान सब हमारे ही भाई हैं, हम उनके भाई हैं, तो सबके लिए प्रबंध होना चाहिए कि जो हमारे लिए ये मुहर्रम का चीज़ है मैयत। अच्छा, तो मैयत रखी नहीं जाती। अच्छा अच्छा, आज नमई है ये मैयत बोली जाती है। अच्छा, तो अगर पूरे हिंदुस्तान में सब मर जाए, कागजात घर में दफन कर लें या घर में रख लें, तो भाई हम लोग भी वैसे करेंगे। हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमको ताजिया ताबूत ले जाने के 4 आदमी हमको इजाज़त दे, अब भीड़ भाड़ नहीं। अच्छा, आपका मतलब है कि सरकार आपकी मदद करे, वो आप नियम कानून से जो है आप के कानून हम पालन रख करेंगे। अच्छा, और नोटिस भी आई हुई है। हाँ, हम उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है नज़र और न्याज का त्यौहार न मनाने का नहीं दिया गया है। अच्छा अच्छा, क्या दिया है इसमें? इसमें दिया गया है कि ताजिया चौक पर नहीं जाए, करबला पर नहीं जाएगा, मुकदमा डायरेक्ट होगा। तो हम लोग सरकार का पालन करेंगे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आप किसी की सरकार हो, हर सरकार के हमारे मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि हर सर कोई भी सरकार हो उसका पालन करो, उसकी बात का उल्लंघन मत करो। हम लोग भी शिक्षित परिवार हैं, परिवार मान में झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम 1,00,000 मोहब्बत से अपने चौक से लेकर करबला तक हमारा रोड ही रोड है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ भैया, तो रोड पास करा है, किसी का अनाज नहीं कचरने जाएंगे, वो भी हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपकी बात जो है सरकार के माध्यम से और इस माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज के समय अगर मैयत जो है पूरे हिंदुस्तान पड़ी रह जाए, नहीं तो आप रो क्यों रही हैं? मोहम्मद साहे हमारी सब कहें भैया हमारे नहीं है। चलिए, सरकार का कानून का हम पालन रख रहे हैं, पालन करेंगे। वही हमको गुजारिश यही है, अनुमति दिया जाए कि ताबूत लेकर करबला जाए, दफन कर सर। चार ताजिया। अच्छा, चार ताजिया बनता है मेरे बाजार में। हाँ, तो ये सारे ताजिए कहाँ पे जाते हैं? गजेंद्रपुर करबला। तो अब की बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब सर सरकार ऑर्डर नहीं दे रही है जाने के लिए, हम लोग की सरकार से अनुमति है कि ताजिया हमारा ये बना हुआ है, अगर ताजिया ले जाने की अनुमति नहीं दे रही है तो इसके अंदर हमारे छोटे छोटे मजार जो दो होते हैं। अच्छा अच्छा, उसको ले जाने के लिए अनुमति दे दे। हाँ, और सरकार कह रही है इससे कोरोना फैल जाएगा, भीड़ हो जाएगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सारा दारू ठीका पूरे लॉकडाउन खुला रहा, हाँ, उसमें भीड़ नहीं हुई, कचहरी खुली हुई है उसमें भीड़ नहीं हो रही है, सर सरकारी बस चल रही है उसमें ठूसा सूट भीड़ जा रही है, उसमें भीड़ नहीं हो रही है, सही कहा आपने, पूरे कपड़े की माल खुला हुआ है जौनपुर शहर में, उसमें भीड़ नहीं हो रही है, छोटे छोटे बाहर बाजारें लग जाती है, उसमें भीड़ नहीं हो रही है। हम लोग सर सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि 4 लोग 3 लोग 2 लोग जो भी सरकार हो सके, बस अपना ताबूत लेके करबला जाएं, अपना मिट्टी दफन करके चले आएँ, बस सरकार से यही हमारी गुजारिश है।
और हम सरकार क्या कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार जो है आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि वो जो आपने बताया कि शुरू से हमेशा होता आया है, अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो हम लोगों को रहने और जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। अच्छा अच्छा, वो जो माल खुला है जो वहाँ बस में लोग भेजे जा रहे हैं, माल खुला है उसमें भीड़ लग रही है सर, बस में जा रहे हैं लोग, दारू ठीका खुला है उसमें भीड़ लग रही है, वहाँ पे सरकार रोक नहीं लगा रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, कचहरी में पूरी भीड़ है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, हम लोग छोटे से गांव में दो चार लोग दस लोग अगर ताजिया लेके जा रहे हैं तो उसमें कोरोना फैल जा रहा है। चलिए, हम आपकी बात सरकार से गुजारिश हम करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमको दो चार लोग की इजाज़त दिया जाए।